स्पीक इंग्लिश इंस्टेंट। शुभकामना, गुड लक। शुभकामना देते समय आप दिए गए सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे गुड लक, गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट। ख़ास मौके पर शुभकामना देते समय आप हैप्पी शब्द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर वगैरह। शुभकामना देने वाले को आप कह सकते हैं थैंक यू, यानी शुभकामना जो जिसने गुड लक कहा है उसको जवाब आप थैंक यू से दे सकते हैं। अभिनंदन, अभिनंदन कैसे करेंगे? किसी का अभिनंदन करते समय आप कह सकते हैं कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका अभिनंदन करे, यानी कोई आपको अभिनंदन करे, तो आप उन्हें थैंक यू कहकर जवाब दे सकते हैं। किसी के काम की तारीफ करते समय आप निम्न प्रकार सेंटेंस बोल सकते हैं, यानी किसी की तारीफ करनी है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं गुड, वेरी नाइस, नाइस वर्क या गुड वर्क। इसका उत्तर भी आप थैंक यू कहकर दे सकते हैं। बच्चे की तारीफ करते समय आप कह सकते हैं गुड बॉय, गुड गर्ल, दैट्स वेरी गुड। बच्चे को डांटते समय आप निम्न प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं बी गुड, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, दैट्स इनफ ऑफ दैट, यानी बहुत हो गया, बस करो। किसी को सावधान करने के लिए आप कह सकते हैं देखो, अरे देखो, यानी कोई चल रहा है और सामने कोई गड्ढा है, कोई चल रहा है पीछे से कार आ रहा है या कोई जानवर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं देखो। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वॉच इट, वॉच आउट, लुक अकार। ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी किसी को अपने तरफ ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, सभ्य तरीके से यानी फॉर्मल वे में किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, पार्डन मी। अथवा मान ले कि टीचर है और उसका ध्यान किसी और तरफ है और आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कहेंगे पार्डन मी सर, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। उसके बाद अथवा अनौपचारिक स्थिति में आप कह सकते हैं, यानी इनफॉर्मल वे में, जैसे फ्रेंड से हे यू। खेद व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हैं, कुछ गलती होने पर माफ़ी मांगने के लिए या खेद व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हैं सॉरी, वेरी सॉरी, रियली सॉरी, सॉरी अबाउट दैट। कोई आपको कहे तो आप निम्न प्रकार से उत्तर दे सकते हैं दैट्स ओके, ऑल राइट, नेवर माइंड। अंतिम संस्कार के समय सहानुभूति व्यक्त करते समय आप निम्न प्रकार बोल सकते हैं आई एम सॉरी, आई शेयर योर सॉरो। देरी होने पर अगर आप खेद व्यक्त करना चाहें तो आप कह सकते हैं सॉरी आई एम लेट, आई एम सॉरी आई एम लेट। सहमति यानी एक्सेप्टेंस दर्शाते समय आप कह सकते हैं यस, यानी हाँ, श्योर, बिल्कुल, सर्टेनली, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है, ओके, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, चलेगा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स, हाँ, निश्चय है, यू आर राइट, आपकी बात सही है, यानी आप सही हैं। असहमति दर्शाने समय, या नहीं कहते समय आप निम्न शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नो यानी नहीं, नो चांस, कोई संभावना नहीं, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। किसी अच्छी बात के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करते समय निम्न जैसे किसी शब्द का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे गुड, अच्छा है, ग्रेट, बहुत अच्छा है, सुपर्ब्ड, बढ़िया, टेरिफिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, डिलीशियस, स्वादिष्ट है, यानी मज़ेदार है, टेस्टी है, अमेजिंग, आश्चर्यजनक है। आप अक्सर इंग्लिश में, हिंदी में शायद कहते हैं, तो उसके लिए आप इंग्लिश में कह सकते हैं परहैप्स, शायद, मे बी, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, यानी मुझे ठीक से पता नहीं। आप अक्सर कहते हैं कि एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको, ज़रा इंतज़ार करो, तो उसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? किसी को थोड़ा रुकने के लिए कह सकते हैं, हम हिंदी में एक सेकंड, एक मिनट कहते हैं, अंग्रेज़ी में निम्न प्रकार से इसे कह सकते हैं वेट अ मिनट, वेट अ मोमेंट, वेट अ सेकंड, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ सेकंड। जल्दी, किसी से जल्दी करने के लिए कह सकते हैं हरी, हरी अप, क्विक, मेक इट फास्ट। कितने बजे हैं, टाइम कैसे पूछें इंग्लिश में? तो आप समय पूछते समय आप कह सकते हैं
व्हाट्स द टाइम यानी टाइम क्या हुआ है, व्हाट टाइम इज इट नाउ यानी टाइम क्या हो रहा है। समय बताते समय बताइए जो भी आप बता सकते हैं, जैसे थ्री तीन, इट्स थ्री तीन बजे हैं, इट्स थ्री ओ क्लॉक तीन बजे हैं, इट्स ऑलमोस्ट थ्री, ऑलमोस्ट यानी लगभग, इट्स ऑलमोस्ट थ्री लगभग तीन बज रहे हैं, इट्स थ्री टेन तीन बजकर दस मिनट, इट्स थ्री फिफ्टीन तीन बजकर पंद्रह मिनट।